प्यारे साथियों नमस्कार, प्रणाम, दुआ, सलाम। क्या हाल चाल है भाई साहब? मैं हूं डॉक्टर लोकेश, स्वागत करता हूं आप सभी का वाईफाई स्टडी यूजीसी नेट हिंदी चैनल पर। फटाफट से आ जाइए साथियों, क्या हाल चाल है आपके? ओके साथियों, ये क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और सबसे पहले तो भाई साहब आप सभी को खूब खूब बधाई यार की सबसे पहले आप सभी को खूब बधाई कि आपको जैसा कि पता है एनटीए यूजीसी नेट का क्या आ गया साथियों, नोटिफिकेशन आ गया है। और नोटिफिकेशन से पता लग गया है कि आपकी एग्जाम 6 अक्टूबर से लेकर 11 अक्टूबर के बीच में होने वाली है। यानी ये कह सकते हैं भाई साहब, ले देकर आपके पास में कम से 50 दिन का समय है और इसमें आपको अब जेआरएफ अचीव करनी है। तो एक नया वीडियो लेकर आऊंगा मैं कल, उसमें हम आगे की रणनीति डिस्कस करेंगे किस तरीके से हम 50 दिन के अंदर स्पेशल और यूट्यूब मिलाकर हम कैसे कंप्लीट करेंगे, इसके बारे में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं। तो चलिए साथियों शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। साथियों ये है अपना टेलीग्राम चैनल डॉक्टर लोकेश बालियान अकेडमी, जाकर इसको फॉलो करो एंड ज्वाइन करो। आपको यहां पर मेरी सभी प्रकार की क्लासेज के लिंक देखने को मिल जाएंगे। ये है मेरी प्रोफाइल डॉक्टर लोकेश कुमार मीणा के नाम से, आप इसको फॉलो कर, साहब जाकर फॉलो कर लीजिए। और आपके लिए मैंने बहुत सारे बैचेज पढ़ा दिए हैं, उन सभी बैच का भी आप लोग हिस्सा बन सकते हो। और आपको क्या करना है, पेपर वन और पेपर टू की फ्री क्लासेज चल रही हैं जेआरएफ तांडव के अंतर्गत, नई सीरीज चल रही है जेआरएफ तांडव, 10 बजे 10 बजे रोज सुबह चलती है, फ्री ऑफ कॉस्ट निःशुल्क क्लास है, जाकर देख लीजिए प्यारे साथी। अच्छा, अनअकैडमी पर आप प्लस क्लासेज भी ज्वाइन कर सकते हो, 10% का डिस्काउंट ले सकते हो लोकेश 11 कोड के माध्यम से। ओके तो साथियों आपको यहां पर हमारा ये ऐप मिल जाएगा, ऐप डाउनलोड करो, गोल सेलेक्ट करो और उसके पास में प्लस और आइकॉनिक दो प्रकार के सब्सक्रिप्शन यहां पर देखने को मिलेंगे। प्लस सब्सक्रिप्शन की खास बात क्या है साथियों, आप इस चीज को देख लीजिए। प्लस सब्सक्रिप्शन में पेपर बेस्ट टीचर मिलेंगे आपको, पेपर वन और प्लस पेपर टू दोनों यहां पर कवर हो जाएंगे। आइकॉनिक में क्या है, टेक्स्ट सीरीज वगैरह। आइकॉनिक की खास बात क्या है कि आइकॉनिक में आपको एक पर्सनल कोच मिलेगा। तो भाई साहब प्लस की क्लास ज्वाइन करने के लिए फीस आपके सामने है, रेफरल कोड लोकेश 11 भी आपके सामने है। इसी प्रकार से आइकॉनिक भी ज्वाइन कर सकते हो, फीस आपके सामने है साथियों। आइकॉनिक में आपको पर्सनल कोच मिलेगा जो कई मायनों में आपके लिए बहुत ज्यादा लाभदायक हो सकता है, तो इस चीज को भी आप एक बार जरूर से कंसिडर कीजिए। नए नए बैचेज हमारे चलते रहते हैं, उनका भी आप हिस्सा बन सकते हो। आज लास्ट डेट है साथियों, आज है 11 अगस्त, आज लास्ट डेट है रात के 12 बजे तक मेगा ऑफर की। अगर 6 महीने और 12 महीने कोई भी प्लस क्लास ज्वाइन करते हो तो आपको इंस्टेंट डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। आज हम पढ़ने जाते हैं साथियों जायसी को, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं। क्या लेकर आया हूं साथियों आप लोगों के लिए, जायसी को मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं। जायसी आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे पहले भाई साहब मैं आपको यही बात बतला दूं कि जायसी बहुत ही ज्यादा वाला महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए है। पूजा मैडम आती क्लास में लेकिन आज वो आई नहीं है, खैर कोई दिक्कत नहीं है, आज हम ही देख लेते हैं। जायसी हुए थे साथियों 1492 ईस्वी में, कब हुए थे जायसी, 1492 ईस्वी में हुए थे। और उन्होंने कौन कौन से प्रमुख ग्रंथ लिखे हैं, सबसे पहले उनके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। देखो साथियों जायसी ने लिखा पद्मावत और कई चीजों पर उन्होंने, जायसी का जो सबसे महत्वपूर्ण है उनके बारे में हम देख लेते हैं। आखिरी कलाम, पद्मावत, चित्रलेखा और मसलनामा और कहानावत, ऐसे बहुत सी चीजें जायसी ने प्यारे साथियों यहां पर लिखी है। ओके, आखिरी कलाम कयामत के दिन का इसके अंतर्गत चित्रण है साथियों, ये बाबर के समय की रचना है। इस रचना में जायसी ने इस्लामिक मान्यताओं को स्थापित करते हुए ये नजर आते हैं। क्या नजर आते हैं साथियों, इस्लामिक मान्यताओं को ये स्थापित करते हुए नजर आते हैं। उनकी एक रचना है साथियों जिसका नाम है अखरावट। क्या है अखरावट, मैंने वीडियो के लिंक को शायद आज कहीं शेयर नहीं किया है, मैं शेयर कर देता हूं। कुछ आज थोड़ी सी लेट शुरू हो गई थी आज की क्लास, लेकिन आज एक बात बताओ आप लोग यार, नमस्कार एवरीबॉडी, नमस्कार
नमस्कार मणि भाई, नमस्कार पीके, नमस्कार कोमल, नमस्कार रजनी, हेलो एवरीबॉडी, हेलो 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 हेलो। देखो यार, एग्जाम की डेट तो घोषित हो गई यार। अब हमको उसी के अनुसार अब हमको थोड़ा सा पढ़ना है, तो दो चार नोट्स हैं, इनको आप एक बार ढंग से देख लीजिए और उसके बाद में चीजें हमारे लिए और भी ज्यादा आसान हो जाएंगी। अखरावट, यह जायसी की सुप्रसिद्ध सूफी दार्शनिक रचना है साथियों। क्या है कि यह जायसी की सुप्रसिद्ध सूफी दार्शनिक रचना है, जिसमें देवनागरी वर्णमाला के एक एक अक्षरों की सूफी दर्शन के अनुसार व्याख्या की गई है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है, जिसमें देवनागरी के एक एक अक्षरों की सूफी दर्शन के अनुसार व्याख्या की गई है। अखरावट में जायसी अधिक सूफी कवर कबीर रूप में नजर आए, यानी कि जब अखरावट को अगर पढ़ते हैं, अखबारों के बारे में, अखरावट के बारे में समझते हैं, तो ऐसा लगता है कि जायसी हैं, सूफी कवि तत्व उसके अंदर ज्यादा नजर यहां पर आता है। ओके, अखरावट का प्रारंभ एक इस लाइन से होता नजर आता है कि गगन हुतो नहीं मई हुतो हिते, चंद नहीं सूर। और कबीर की पंक्ति सूर नामा चंद में द्वंद किहार घर एक, देखो ये पंक्ति है कबीर की और ये पंक्ति है जायसी की। आपको कभी भी इन दोनों के बीच में कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान से देख लीजिए। कबीर अलग बात कहता है और जायसी अलग बात कहता है। कहीं आप सूर सूर का नाम सुन के, चंद का नाम देखकर, आपको हुतों का नाम देखकर आपको लगता है कि ये पंक्ति कबीर को हो सकती है। इन दोनों पंक्तियों में साथियों अंतर है, इस चीज को आप यहां पर देख लीजिएगा। रामचंद्र शुक्ल के द्वारा संपादित जायसी ग्रंथावलियों में तीन रचनाएं संपादित हैं। हाँ, जो रामचंद्र शुक्ल ने जो संपादन किया है जायसी ग्रंथावली का, उसके अंदर उन्होंने पद्मावत को रखा है, आखिरी कलाम को रखा है, और अखरावट को रखा है। साथ ही क्या रखा है? अखरावट को रखा है। इन तीन रचनाओं को किसने रखा है? रामचंद्र शुक्ल ने जायसी ग्रंथावली के अंतर्गत रखा है। सोनी सर जी, कबीर पूरा नहीं होगा क्या? पेंडिंग नहीं हुई एक्चुअली, क्या थी, सुनिए मेरी बात। हाँ, मैंने टीम को बोला था कि भाई कबीर बनाकर भेजिए, कबीर का सेकंड पार्ट सेंड करिए, लेकिन उन्होंने कहा कि सर कल रखेंगे कबीर को, आज हमने ऑलरेडी क्लास क्रिएट कर दी है, तो क्लास क्रिएट हो गई थी इसलिए कबीर नहीं हो पाया, कबीर कल हो जाएगा। ओके, कबीर हमारा कल हो जाएगा साथियों। मुझे पता है कबीर एंड वो पेंडिंग में, थोड़ा सा कबीर को हम कल पढ़ लेंगे। चलिए अब हम अखरावट के बारे में बात करते हैं। अखरावट, हमारे अखरावट के अंदर इन्होंने क्या क्या चीजों को साथियों यहां पर शामिल किया हुआ है। यह टोटल 57, इसमें टोटल खंड कितने साथियों? 57। और इस 57 खंडों के बाद इसमें क्या मिलता है? उपसंहार मिलता है। टोटल कितने साथियों इसके अंदर? 57। टोटल कितने? 57 इसके अंदर खंड है। 30वां खंड नागमती वियोग खंड के रूप में जाना जाता है। इसलिए कई बार आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि पद्मावत में जो नागमती का वियोग है, विरह है, वेदना है, कि जब राजा रतन सेन सिंगल द्वीप चला जाता है, तो जो पद्मावत में नागमती का जो विरह है साथियों, वो तीसरे खंड में, 30वें खंड में है। ये मोस्ट है, मैं आपसे फिर बोल देता हूं। 53वां खंड में गौरा और बादल का युद्ध है, जब वो सुल्तान से अपने राजा को छुड़वाने के लिए युद्ध में वीर गति प्राप्त करते हैं, वो है 53वां खंड। 57वें खंड में रानी पद्मावती और नागमती जो सती हुई थी साथियों, उसका विवरण यहां पर देखने को मिलता है। तो ये चीज आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है कि इस पूरे अध्याय में ये सबसे महत्वपूर्ण पंक्तियों में से एक है, इसलिए आप इसको एक बार जरूर से देख लीजिए साथियों, एक बार इसको आप जरूर से देख लीजिएगा। पद्मावत का 30वां, 53वां और 57वां खंड आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है मेरे प्यारे दोस्त। ओके, हेलो हेलो विनोद, सोनी, धनंजय, नीतू, मणि, सत्या, श्वेता, सर मैम क्यों कहाँ हैं? मैम आज पता नहीं मैम कहाँ है, मैम आई नहीं है क्लास में, तो कोई बात नहीं, कल मैम आ जाएगी, आज नहीं आई है। ओके,
इसलिए मैडम आज आई नहीं है, मैडम कहीं फरार है, कोई दिक्कत नहीं है, अगले क्लास को, अगले क्लास में मैडम को हम बुला लेंगे। चल ठीक है, आगे देखते हैं साथियों कि पद्मावत सूफी प्रेमाख्यान का काव्य है। पद्मावत क्या है साथियों? सूफी प्रेमाख्यान की काव्य है, प्रतिनिधि रचना। इसमें प्रेम की प्रधानता निर्विवाद है साथियों। क्या है? प्रेम की प्रधानता क्या है साथियों? इसमें निर्विवाद मानी गई है, लेकिन प्रेम के स्वरूप पर विद्वानों के बीच में गहरा विवाद यहां पर देखने को मिलता है। बात यहां पर हो रही है साथियों जो बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है पद्मावत, उसके बारे में। क्या हो रही है साथियों? पद्मावत के बारे में यहां पर चर्चा हो रही है जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप इतना जान लीजिए, इतना देख लीजिए। ओके, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पद्मावत का प्रेम एकांतिक, आध्यात्मिक एवं अलौकिक प्रेम है। यह कौन कहते हैं? रामचंद्र शुक्ल कहते हैं। यद्यपि शुक्ल जी ने बीच बीच में लौकिक प्रेम का उत्कर्ष भी देखा है। देखो, पद्मावत के बारे में बहुत से विद्वानों में बहुत से मतभेद हैं, इस चीज को आप मानते हुए चलिए। बहुत से विद्वानों में आपको यहां पर बहुत सारे मतभेद देखने को मिल जाएंगे। अब रामचंद्र शुक्ल पद्मावत के बारे में और क्या क्या कहते हैं, इस चीज को भी यहां पर देख लेते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने पद्मावत को समायोक्ति और अन्योक्ति परक काव्य कहा है। मैं कहूंगा मोस्ट 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 मोस्ट। आपसे सीधा सीधा सवाल आ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन से विद्वान ने पद्मावत को समायोक्ति और अन्योक्ति परक काव्य कहा? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नगेंद्र, ऐसे सवाल आपसे ऑप्शन में पूछे जा सकते हैं और इसका सही आंसर है रामचंद्र शुक्ल। समायोक्ति एवं अन्योक्ति कहा। अब यहां पर साथियों सबसे पहले समायोक्ति का क्या अर्थ होता है इस चीज को समझ लेते हैं। समायोक्ति का मतलब होता है साधारण अर्थ होता है, एक अन्य अर्थ चलता रहता है, यानी कि एक सामान्य अर्थ के साथ एक अलग अर्थ जिसमें साथ साथ पैरेलल चलता है उसको क्या कहते हैं साथियों? समायोक्ति कहते हैं। और अन्योक्ति के मैं क्या है कि साथियों सीधे सीधे तौर पर दूसरा जो अर्थ है उसी को ही माना जाएगा, और दूसरे अर्थ यानी डबल मीनिंग जिसे कहते हैं साथियों, एक तरीके से अन्योक्ति क्या है, डबल मीनिंग की तरह काम यहां पर करती है। विजयदेव नारायण शाही नाम के एक बहुत बड़े आलोचक थे, उन्होंने पद्मावत को लेकर कई विचार दिए। विजयदेव नारायण शाही की आलोचना पुस्तक है जायसी। उन्होंने जायसी को बैंकुटी यानी स्वर्णिम प्रेम की तलाश वाला कहा। क्या कहा साथियों? स्वर्णिम प्रेम की तलाश नहीं है, बल्कि ऐसा प्रेम चाहते हैं जो प्रेम करने वाले मनुष्य को ही बैंकुटी बना दे। क्या बना दे साथियों? प्रेम करने वाले मनुष्य को ही बैंकुटी बना दे। ऐसी बात कौन करते हैं साथियों? विजयदेव नारायण शाही यहां पर करते हुए नजर आते हैं। क्या क्या कमेंट आ रहे हैं चेलों के? प्रणाम एवरीबॉडी। सर कोई कुछ बताओ, मेरे पूरे हेयर में स्वेलिंग हो गई है, बहुत परेशान हूं। श्वेता कह रही इस बात को। हो भाई बताओ भाई, पूरे पैर में स्वेलिंग हो गई है, पैर में स्वेलिंग हो गई। कोई बेटा कोई ऐसा कहीं ऐसा तो नहीं है किसी जानवर ने आपको डस लिया हो, कीड़े वगैरह ने कुछ काट लिया हो आपको? क्योंकि बारिश का समय है, आजकल ऐसे छोटे मोटे जीव जंतु बाहर निकलते रहते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं हो गया कि आपको किसी उसने डस लिया हो? छोटे चीजों कीड़े मकोड़े डस लेते हैं तो ऐसी चीजें आ जाती हैं साथी। विजयदेव नारायण शाही, इस प्रकार विजयदेव ने पद्मावत को प्रेम को लौकिक पक्ष को उजागर किया, किया साथियों लौकिक पक्ष को उजागर किया। इन्होंने क्या किया साथियों? विजयदेव नारायण शाही ने पद्मावत के लौकिक पक्ष को यहां पर उन्होंने मजबूती के साथ रखा था साथियों। विजयदेव नारायण शाही जायसी को कुजात सूफी कहा। विजयदेव नारायण शाही ने कुजात सूफी कहा साथियों। किसको? जायसी को। उन्होंने कहा कि जायसी पहले कवि हैं, बाद में वो सूफी हैं। वो कह कि पहले वो कवि हैं, बाद में सूफी हैं। ये विजयदेव नारायण शाही किसके बारे में कह रहे हैं? ये कह रहे हैं साथियों पद्मावत के बारे में। पद्मावत हिंदी में अपने ढंग की अकेली ट्रेजेडिक यानी
त्रासदी कृति है, त्रासदी, क्योंकि क्यों है, इसमें विरह भी देखने को मिलता है, मिलन भी देखने को मिलता है, और साथ में युद्ध भी और सती प्रथा का एक रूप भी देखने को मिलता है, इसलिए इसको ट्रेजेडी माना गया है। माता प्रसाद गुप्त के अनुसार पद्मावत ने न तो समायोक्ति है ना ही अन्योक्ति, बल्कि है स्वभायोक्ति है, और जो कुछ इसमें स्वभाव में है वही प्रेम है। कैसा आती हो, जिसके स्वभाव में जो चीज है वही प्रेम। इस बात को कौन कहते हैं साथियों, इस बात को कहते हैं आपके कौन, इस बात को कौन कहते हैं साथियों, इस बात को कहते हैं आपके विजयदेव नारायण साही जी। अब एक और आलोचक हुए थे साथियों, जिनका नाम था वासुदेव शरण अग्रवाल। वासुदेव शरण अग्रवाल के अनुसार जायसी पृथ्वी का पुत्र है और पृथ्वी की समस्याओं से वो जूझते रहे। वासुदेव शरण अग्रवाल ने पृथ्वी पुत्र यानी निबंध संग्रह नाम से एक रचना भी की है और जायसी को पृथ्वी पुत्र भी कहा है, इसलिए चीज बहुत ज्यादा मोस्ट हो जाती है, महत्वपूर्ण हो जाती है। इस बात को आप ध्यान रखना चाहते हो। रामचंद्र शुक्ल ने जायसी के संदर्भ में कुछ कथन कहे थे और मैं ये कहूंगा कि कथन भाई साहब बहुत ही तगड़े वाले आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी साबित हो सकते हैं। जी हां साथियों, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए साबित हो सकते हैं, इसलिए मैं इस चीज को आपके सामने लेकर आना चाहता हूं। कारण समझो कैसे, कारण साथियों जो जायसी के ऊपर बहुत सारी बातें किसने कही थी, रामचंद्र शुक्ल ने कही। तुलसीदास के रामचरितमानस के पश्चात पद्मावत दूसरी महत्वपूर्ण प्रबंधात्मक रचना है, रामचरितमानस और पद्मावत। ये बात कौन कहते हैं कि सबसे श्रेष्ठ कौन सी है, रामचरितमानस, दूसरी पद्मावत, जो प्रबंध काव्य का बेस्ट उदाहरण है। नागमती वियोग खंड को रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य की अमूल धरा की संज्ञा दी थी। मैं ये कहूंगा कि एक एक पंक्ति आपके लिए संजीवनी का काम कर रही है, यहां से प्रत्येक पंक्ति में से सवाल उठकर आ सकते हैं, ध्यान रखना, प्रत्येक पंक्ति में से सवाल आ सकते हैं प्यारे साथी। रामचंद्र शुक्ल ने नागमती वियोग खंड को क्या कहा साथियों, अमूल्य धरोहर की संज्ञा दी थी। क्या दी थी, अमूल्य धरोहर की संज्ञा दी थी। जायसी को प्रेम की वेदना का कवि कहा जाता है। क्या साथियों, जायसी को प्रेम की वेदना का कवि कहा जाता है, घनानंद को प्रेम का पीर कहा जाता है। और वहीं बात करते हैं साथियों पद्मावत के बारे में, हिंदी साहित्य का जगम का रत्न, जगमगाता रत्न हिंदी साहित्य का कहा गया है पद्मावत को। इसको साथियों, पद्मावत को जगमगाता रत्न कहा गया है, हिंदी साहित्य का जगमगाता रत्न कहा गया है। इसको पद्मावत को हिंदी साहित्य का जगमगाता रत्न साथियों कहा गया। वहीं साथियों रामचरितमानस से तुलना करते हुए प्रसाद रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि रामचरितमानस की भाषा संस्कृत निष्ठ है, वह पद्मावत की भाषा ठेठ अवधि है, जिसे अवधि का अर्धान कहा गया था। तो क्या कहा है, अवधि का अर्धान कहा जाता है, और ये अवधि का अर्धान किसने कहा था, ये कहा था बच्चन सिंह ने, इसको अवधि का अर्धान कहा। एक एक पंक्ति आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है साथियों, इस चीज को आप ध्यान रखना। दो पंक्ति है यहां पर भाषा के संदर्भ में, एक पंक्ति है साथियों तुलसी कहते हैं कि का भाखा क्या संस्कृत प्रेम चाहिए सांच, काम जू वाक्य कामरी का ले करी कुमाच। और उसी तरीके साथियों तुर्की अरबी हुंदई भाखा जेती आही
तेही में मार्ग प्रेम का सबे सहज ताहीं। यानी भाषा के बारे में तुलसीदास ने और जायसी ने अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं। अगर हम साथियों जायसी के बारे में बात करें और पद्मावत के बारे में बात हो रही है, तो मन की संज्ञा किसको दी थी? राजा रतन सेन को। हृदय कौन था? सिंगल गट। बुद्धि कौन थी? पद्मावती। गुरु मन कौन था? हीरामन तोता। और माया कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। शैतान कौन था? राघव चेता। और आपको यहां पर कई बार कंफ्यूजन हो सकता है कि शैतान कौन है। कई बार लोग खिलजी को शैतान बता देते हैं और कई बार राघव चेतन को, लेकिन शैतान कौन है साथियों? राघव चेतन या शैतान है। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक तरीके से आपका रिवीजन चल रहा है साथियों। पद्मावत का बारह मासा आषाढ़ के महीने से स्टार्ट होता है साथियों। पद्मावत का जो बारह मासा है आषाढ़ के महीने से स्टार्ट होता है। बारह मासा की पहली पंक्ति क्या थी? चंडा आषाढ़ गगन घन गाजा। क्या साथियों? कि चंडा आषाढ़ गगन घन गाजा। और पद्मावत की फर्स्ट पंक्ति सुमरो आदिन का करतारो। ये इंपॉर्टेंट साथियों, पद्मावत की पहली पंक्ति क्या है? सुमिरो आदिन एक कर तारू। अच्छा, पद्मावत में आपको सभी साहे आलम यानी किसी बादशाह की प्रशंसा की बात है। वो कौन सा बादशाह है जिसमें प्रशंसा की गई? पद्मावत की अंतिम पंक्ति है साथियों 57वें खंड की है कि जौहर भई सब स्त्री पुरुष भये संग्राम और बादशाह गढ़ चूरा चित उर्मा इस्लाम। यानी सारे जो पुरुष थे वो संग्राम में निछावर हो गए और सारी जो स्त्री उन्होंने क्या कर लिया? जौहर कर लिया। साथियों मैं आपको बतला दूं कि 57 खंड के बाद में उपसंहार की बात कहता है पद्मावत। तो उपसंहार की अंतिम पंक्ति है कि वृद्धि जो शीश डोलावे पुनि दुनि आवे रीज और बीड़े आयु हो तुम्हें ये दिनों कीन आशीष। आशीष का मतलब होता है साथियों आशीर्वाद। ओके, ये टीजीटी में आया था। सर मेरा कमेंट देखो, विनोद क्या कह रहे हैं। बंगला अनुवाद किसने किया था पद्मावती का? चलिए साथियों कमेंट्स करके देखिए, बंगला किसने किया था साथियों? कमेंट्स करके बताइए आप, बंगला में अनुवाद किसने किया था? ये सवाल आया बताया किसी एग्जाम में कि बंगला में पद्मावती का अनुवाद किसने किया था? कमेंट्स करके बताइए साथियों। कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं पद्मावत की, आप इनको देख सकते हो। हम जायसी की कविताओं के बारे में कुछ विशेषताएं जायसी की उनके बारे में बात कर लेते हैं। उन्होंने काव्य रूढ़ियों का सुंदर प्रयोग किया, जन जीवन की विशुद्ध व्यापकता, प्रकृति का अत्यंत सजीव चित्रण, उद्दीपनकारी कार्य जायसी की कविताओं में देखने को मिलता है। विरह की सार्वजनिकता, सार्वभौमिकता, मार्मिकता, विरह वर्ण अति युक्त पूर्ण होने पर वजूद हास्यपद बनकर मन को छूने वाला बना होता है। कड़वक बद्धता की बात करते हैं और चौपाई धोवा छंद का प्रयोग उन्होंने सराहपा से सीखा और वहीं के उन्होंने सबसे ज्यादा इसका प्रयोग किया था साथ। तो बहुत सारी विशेषताएं हैं और जायसी के अलग अलग चीजों पर हम लोग चर्चा करेंगे। मैडम की कमी आज हमको खल रही है, बहुत बड़ा है जायसी, आप यहां पर देख पा रहे होंगे। तो अब साथियों आपसे मैं कुछ बात करना चाहूंगा। एक्चुअली क्या था, आप लोगों के लिए मैंने और पूजा मैडम ने प्लान किया, लेकिन पूजा मैडम थोड़ी बिजी हो गई, आज आ नहीं पाई। हम लोगों ने प्लान किया था कि एक दिन का एक कवि,
लेकिन कुछ चीजें थोड़ी सी बीच में ऐसे हो गई कि हम लोग चले गए थे घूमने के लिए, तो थोड़ा सा एक दो क्लास ऊपर नीचे हो गया था, तो कुछ नोट्स या कुछ एडिशनल चीजें आप लोगों के लिए लेकर आएंगे, चिंता मत करो। सर मैडम कहाँ से बोल रही हैं? मैडम तो कहाँ से बोलेंगी, या कहाँ से बोलेंगी मैडम? ओके बिल्कुल, ये सारी चीजें याद करनी होंगी साथियों, और क्या, बिना याद करे तो थोड़ा ना काम चलेगा अपना। ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे, इनको ढंग से पढ़ेंगे। अभी अभी थोड़ा सा, अब मैं घूमने गया था, उसके बाद में थोड़ी चीजें थोड़ी ठीक नहीं हो रही, और उसके बाद में से थोड़ा सा ढंग से अब करेंगे चीजों को। तो देखो मैं क्या सोच रहा हूं, मैंने यही सोचा है हम लोगों ने कि दो लोग अगर एक साथ क्लास लेकर आते हैं ना, तो थोड़ा अच्छी तरीके से समझा कर हुए आप लोगों को आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए 9 PM से हम जो थंबनेल वगैरह है, क्योंकि क्लास हमारी टाइम पर क्रिएट नहीं हो पाई थी, क्योंकि इधर उधर हम थोड़ा घूमने चले गए थे एक दो दिन के लिए, तो चीजें थोड़ी सी अदल बदल हो गई हैं। कोई बात नहीं है, लेकिन ये सब चीजें चलती रहती हैं, अदल बदल वाली चीजें भी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको डेली 9 बजे आना है। कल से मैं आप लोगों के लिए काम कर रहा हूं, जो हमारी स्पेशल क्लास होती है ना 10 AM, 10 AM जो स्पेशल क्लास होती है साथियों, उसकी मैं 15 क्लास क्रिएट कर रहा हूं आप लोगों के लिए। तो आप उस क्लास में जरूर से आया करो। और हिंदी के लिए मैं क्या कर रहा हूं आप लोगों के लिए साथियों, हिंदी के लिए मैं 12 बजे स्पेशल क्लास क्रिएट कर रहा हूं, 12 बजे दिन में, है ना? उन क्लासेज का हिस्सा भी आप जरूर से बना करो, है ना? तो आज विदा दीजिए मुझे थोड़ा जल्दी, और कल मिलेंगे। अब कल नए तरीके से चीजों को देखेंगे। अभी हाँ देख सुनो, कबीर भी आधा रह रहा है और जायसी भी रह रहा है। आप ये मत सोचना कबीर को पूरा नहीं करवाया जाएगा और जायसी को नहीं करवाया जाएगा, वो कुछ टीम का कुछ वो हो गया था, तो टीम से मैं दोबारा बोल के थंबनेल क्रिएट करवाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। जायसी और कबीर दोनों पूरे करवाए जाएंगे, तो जायसी और कबीर के बारे में आप चिंता मत करना। बस ये जानकारी थी कि आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। और दूसरी बात क्या है साथियों, दूसरी बात सबसे बड़ी बात ये है कि भाई साहब स्पेशल क्लास आपके लिए एक तो 10 बजे हो रही है डेली फ्री, और एक 12 बजे हो रही है डेली फ्री। इन क्लासेज में आप हिस्सा बनने के लिए जरूर से आओ, मैं आपसे यही कहूंगा कि पेपर 1 को डाउनलोड करो, ऐप को डाउनलोड कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। आइकोनिक प्लस सब्सक्रिप्शन ज्वाइन कर लो, ज्यादा कुछ नहीं यार, 12 महीना 6 महीने का ही ज्वाइन कर लो। अभी तो आज अभी तब आपको वैसे भी बेनिफिट यहां पर देखने को मिल रहा है 2 महीने वाला, ठीक है? या फिर आइकोनिक, आइकोनिक खास बात क्या है कि प्लस का जो ये सारे बेनिफिट है, पेपर 1 पेपर 2 टेस्ट सीरीज वगैरह, ये सब चीजें आपको प्लस पर्सनल कोच के रूप में यहाँ पर देखने को मिल रही हैं, इसलिए आपको यहाँ पर लाभ है कई चीजों के। तो आप, मैं ये कहूंगा कि आप गो फॉर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, यहाँ पर ये भी आज लास्ट डेट है इसकी भी, इसका भी आपको लाभ मिल सकता है। तो स्पेशल क्लास में बहुत सारे फायदे हैं, फ्री क्लासेज होते हैं, कोई शुल्क नहीं लगता है, ऐप डाउनलोड करके आ जाइए। चलिए साथियों, बहुत धन्यवाद आपका इस क्लास में जुड़ने के लिए। कल से मैडम के साथ आएंगे, फिर से ज्यादा पढ़ाएंगे, क्लास को लंबी लेंगे।